तो यहाँ पर अपने पास प्रॉब्लम है, सॉल्व द इक्वेशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स वाई जेड। तो ये प्रॉब्लम रोमेनियम मैथमेटिकल ओलंपियाड में आई थी। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये जो इक्वेशन है वो सिमेट्रिक है। तो मैं यहाँ पर अजम्पशन ले रहा हूँ कि एक्स वाई जेड इस ऑर्डर में है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो एक्स की वैल्यू अपन सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर ले 1, तो 1 के लिए नहीं होगा क्योंकि 1/1 वो तो 1 ही हो जाएगा, और ये तो ऐसे 3/5 से बड़ा है, तो यहाँ पर तो कोई सॉल्यूशन नहीं आया। मतलब ये 2 से बड़े तो होने चाहिए सारे, तो सारी चीजें 2 से बड़ी होनी चाहिए सबसे पहले अपन ने ये देखा। और उसके बाद अगर अपन देखे तो यहाँ से अगर अपन एनालाइज करें तो जो 3/x है इस हिसाब से यहाँ पर ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एक्स है उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है इसके लिए, 2, 3, 4 और 5 हो सकती है, यही पॉसिबल वैल्यूज है एक्स की। यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये पॉसिबल वैल्यूज है एक्स की। तो अगर अपन देखें अब अपने पास जो क्या बचा, 1/y and 1/z ये बचा। जब अपन एक्स की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो ये जो क्वान्टिटी है वो बनकर क्या रह जाएगी इधर, ये 3/5 था और 3/5 में से मैं यहाँ पे हाफ हटाने वाला हूँ, तो मेरे पास बचेगा ये कितना बच जाएगा, 1/10 ये चीज मेरे पास बच जाएगी। तो यहाँ पर मैं चेक करूँ तो मेरे पास y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर तो यहाँ पर ये 11 से यहाँ पे 10 नहीं रख सकता, नहीं तो इसकी वैल्यू को मेरे को मतलब बहुत ही मतलब इनफाइनाइट रखना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ होगा नहीं जिसके लिए 0 हो जाए। तो यहाँ पर मैं 11 से स्टार्ट करूंगा, 11, 12, 13, और यहाँ पर मैक्सिमम कितना जा सकता हूँ मैं, यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो किससे चेक करूंगा, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ जो मेरा टू बाय वाई है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1/10 होना चाहिए, ये मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मेरा ये ऑर्डर आया था। तो अगर इस सम की वैल्यू 1/10 आ रही है तो ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन ये होना चाहिए। तो ये कब कब होगा यहाँ पर, जब जब यहाँ पर y लेस देन 20 होगा उस केस के लिए हो जाएगा ये, तो उस केस के लिए ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 20 तक जाना चाहूंगा इस तरीके से यहाँ पर। तो फिर आगे देखें तो अगर मैं इसी इक्वेशन से यहाँ पे z को लिखने की कोशिश करूँ तो उसको 1/10 - 1/y, तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास क्या क्या आ रहा है यहाँ पर, तो एक बार देखें तो मैं z को क्या लिख सकता हूँ, 10 times y / y - यहाँ पर 10 इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो जो ये चीज है इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, 10 + 100 / y - 10। तो यहाँ पर तुम चेक कर सकते हो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब क्या होना चाहिए यहाँ पर, अगर अपन इसको देखें तो अपना z क्या है, 10 + 100 / y - 10। तो z इंटीजर है तो 100 y/10 से पूरा डिविजिबल होना चाहिए, और अपने पास y की वैल्यू क्या क्या आई थी, 11, 12 up to 20 आई थी। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, y की वैल्यू 11 हो सकती है जिस केस में पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो जब y की वैल्यू 11 होगी तो z की वैल्यू इतनी होगी, और जो अपने x की वैल्यू है वो तो अपन ने इस केस में 2 ले ही रखी थी, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा अपने पास, एक ये सॉल्यूशन आ गया। और किस किस के लिए पूरा डिविजिबल होगा, y की वैल्यू 12 के लिए पूरा डिविजिबल होगा, उस केस में जो अपना z है वो 60 आ जाएगा, और जो सॉल्यूशन है वो 2, 12 और 60 आ जाएगा। जब y की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 14, तो 14 के केस में कितना आएगा, 14 के केस में 35 आ जाएगा, तो यहाँ पर अपना सॉल्यूशन 2, 14 और 35 आ जाएगा। अगर मैं आगे देखूँ तो मेरे पास जो z की जो y की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे 15 लेने वाला हूँ, तो उस केस में जो मेरी ये क्वांटिटी है z, तो मेरा z कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा, और जो मेरा सॉल्यूशन है 215 और 30 हो जाएगा। और मैं चीज यहाँ पर देखूँ तो वो कितने होगी, तो मेरे पास अभी y तो मैंने क्या क्या ले लिया, यहाँ पे 11 ले लिया, 12 ले लिया, 14 ले लिया, 15 ले लिया, और एक और जो बचेगा वो 20 है। तो 20 के केस में मेरे पास यहाँ पे पुट करूंगा तो कितना आएगा, जो सॉल्यूशन है वो 2, 20, 20 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास ये सॉल्यूशन है। अब ऐसे ही क्या करना है, मुझे x इज इक्वल टू 3 के लिए करना है, और फिर x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 के लिए भी ऐसे ही प्रोसीजर करना है, और x इज इक्वल टू 5 के लिए भी यही प्रोसीजर करना है, क्योंकि जो अपना x था वो क्या आया था, 2, 3, 4, 5 इसमें आया था। तो यहाँ पर तुम अगर ये सब चीजें करोगे तो तुम्हारे पास जो टोटल सॉल्यूशन है वो आ जाएंगे। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई क्वेरी हो तो पूछो, मिलता है नेक्स्ट।